तो आज तो तबीयत बहुत ही ख़राब थी, इसीलिए लोग नहीं आएगा आज का और कल का दोनों का, क्योंकि यार बहुत ही ज़ुकाम हो चुका है और इसीलिए आज नहीं रखना था हमें। तो गाइस मैं आया था घर पे अभी। पतंग की जो हमने शॉप ओपन की थी वहाँ जाके मैं अभी घर पे आया हूँ, और वहाँ पे हमने चाय पी थी। मैं क्लिप भी आपको बताऊँगा कि इतनी ठंडी है ना, कि वो चाय वाला जो बर्तन में जो चाय बना रहा था उधर नहीं टच कर रहा है। अभी दिखाता हूँ मैं। तो आज का प्लान है, मुझे इधर जाना है। और आप पूछेंगे कि इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था, जुकाम हो गया था थोड़ा, इसलिए थोड़ा रेस्ट कर लिया, लेकिन अब अच्छा है। सो गाइस हम अभी झूले पे बैठे थे और हम तीन लोग थे, तो हम तीनों ने झूला ही तोड़ दिया। ये देखिए गाइस, तो मेरे आज पोल्ट्री का दूसरा दिन है और हम पोल्ट्री में विजिट करने आए थे। ये था डीप लीटर सिस्टम और ये है वाटर, और ये जो आजू बाजू में जो भीड़ है वो पोल्ट्री की, दिस इज वाटर, कुछ इस तरह से होता है। और जब ये साइड में जो दिख रहा है आपको वहाँ पर फीडर है, ये आर आई आर फीड है, और यहाँ पे इस तरह से रखा जाता है। और यहाँ पे ये बल्ब इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हुआ है। इसको ये बल्ब रखा जाता है क्योंकि उनको घर प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए ये देखिएगा। आप ये देख रहे होगे कि ये सब इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन हम अभी गए हैं तो ठीक है, वरना आप अंदर नहीं गए हुए और ये सब आपको दिखाई दे तो जल्द से आप उसका वैक्सीनेशन कराए, क्योंकि वहाँ पे खतरा हो सकता है, क्योंकि डेथ हो जाते हैं ऐसे इकट्ठा होते हैं तो जल्द से जल्द वायरल होता है तो सब में आ जाता है, इसीलिए वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको पोल्ट्री हाउस करना हो तो खास ध्यान रखें। फीडर डालना है उनको चिकन को, और ये कैसे डालते हैं वो अभी प्रसाद कर लिया है। ये फावना इस तरह से करना होता है पहले, और बाद में ये फूल कर देना होता है। ये तो थोड़ा होना चाहिए आपको बर मापन पर दियो वो धरना धरना वो धरना वाला पर तो थोड़ा मापन मापन पर बाढ़ बस दम ना दियो, एकदम खाली करो, एकदम साफ करो, एकदम इसको क्लीन करके यहाँ पे ऐसे फिर लोड करना है, लोड कर देने का तो गाइस ये है तरीका है, पहले क्लीन कर दो और बाद में फिर भर दो। तो यहाँ पे हमारे दोस्त माची कल्पेश और प्रियांशु संकी लोग, गाइस ये है आर, तो गाइस ये आर आई आर भीड़ है। ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रोड आइसलैंड रेड, रोड आइसलैंड रेड बर्ड, रेड बर्ड। गाइस ये अभी ये गलत है,
यहाँ पर वो जो जैसे का बल्ब आता है वही लगाना होता है, क्योंकि वो ज्यादा गर्मी एलईडी है तो कम करेगा, गर्मी भी कम होगा। तो गाइस आप पोल्ट्री हाउस करना चाहते हैं तो इस खास ध्यान रखिए। चिकन चिकन चला गया गाइस, ले 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 ले। मैं आ गया हूँ घर पे, अभी मैं आया हूँ खाने के लिए और बहुत मजा आया। और मैं कल शाम को सो गया था और बाद में मैं भूल गया था ब्लॉग अपलोड करना है मुझे वो। और अभी मैं पोल्ट्री से आया हूँ और तीसरा दिन था आज, बहुत मज़ा आया। सोच रहे होगे कि उत्तरायण को व्लॉग क्यों नहीं आया, मैं आपको बताऊँ गाइस, मैं उतना एक्साइटेड हो गया था कि मैं सब कुछ भूल गया था उत्तरायण में और व्लॉग भी रह गए थे। तो कोई नहीं, थोड़े मैंने जो पल है वो मैंने कैप्चर किए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा व्लॉग में। तो गाइस दिस इज माय न्यू हेयर स्टाइल, मैं आपसे बात कर रहा था मकर संक्रांति की, तो उसमें मैं बहुत ही खुश हो गया था, इसीलिए मैंने व्लॉग मैंने शूट भी नहीं किए थे और इतना एक्साइटेड था और मज़ा भी आ गया। और हाँ, हम वो नहीं आते तुक्कल, तो हम तुक्कल थे, तो मेरा भाई हम कंपटीशन में थे, दो और चार भाई हम, तो हमारा हम दोनों भाई का तो ऊपर चला गया, लेकिन दो छोटे भाई थे उसके तो चार चांद लग गए, नीचे गिर गया था एक, तो वापस वो नीचे गया और नीचे जाकर अब उसे लगा कि मैं फिर से धक्का दे दूंगा तो चला जाएगा ऊपर, तो भाई साहब तो नीचे जाते हैं और नीचे गए, बाद में उन्होंने ऊपर भी किया और वो चला भी गया, लेकिन क्या हुआ गाइस, सीधे बाजू वाले घर पे, वहाँ पर एक लड़की रहती है गाइस, उसके घर पे चला गया। और मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, मैंने शूट भी किया था, तो बाद में वो लड़की आई और बोलने लगी कि क्या है ये सब, आप मेरे घर पे भेज रहे हैं, फोपट हो गया गाइस। जाइए आप वीडियो देखिए, और वीडियो देख के हम ये समाप्त करते हैं आज का व्लॉग, और मिलते हैं कल। तो आज के लिए बस इतना ही, रिएक्शन भी था जो ये फोटो ये क्या हो गया जोरदार